तो मुझे बहुत हॉस्टल क्या बोलना है ग्राउंड में आ जाए हे एवरीवन, तो आज है नवमी यानी कि नवरात्र चल रहे थे, तो आज हम का समापन और मैंने भी कन्याओं की पूजा कर ली है, वो भी आंटी जी की बदौलत जो आंटी जी हमारे साथ यहाँ रहती हैं, तो उन आंटी ने ही कन्याओं की व्यवस्था करी है। अभी बज रहे हैं 8:30 और मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है, लेकिन सुबह सुबह इतनी प्रॉब्लम हुई 7 बजे उठ के, तुम खाना बनाओ, आंटी का फ़ोन आया कि अभी कन्याएं आ रही हैं और उनको फिर कहीं और जाना है, फिर सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी इधर। पहले घर पे क्या होता था कि मम्मी कोई हेल्प नहीं करती थी, मम्मी बोलती थी तूने फास्ट रखे हैं तो तू ही सारा खाना बना ले, लेकिन यहाँ तो सब ने हेल्प करी, मतलब मैंने बहुत कम किया लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा किया, किसी ने छोले बनाए, किसी ने पूरी बनाई, किसी ने सूजी बनाई, बस मैंने पूजा वगैरह की और मैं नहाई और थोड़ी थोड़ी हेल्प करी उनके साथ बीच में, बाकी तो और कुछ नहीं किया। देख लो मम्मी आप दूर दूर से आए देखते जगह से, चलो तुम लोग बात नहीं, बात क्यों नहीं करते तुम लोग आपस में, हमारे यहाँ के बच्चे तो बहुत शोर कर देते हैं। तुम्हारे यहाँ के बच्चे शैतान होते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं। सच में क्या अम्मा? तो भैया तो हंस रहा है, ये बोलना नहीं होते मेरे सच में। आप लोग कितने हो? 6 हो आप लोग? मनीषा घर में उसकी मम्मी मना करती होगी ना इसलिए तेरे को कौन मना करता है घर में हंसने के लिए, तू यहाँ बहुत हंसती है, बाहर हंसते रहते हैं। तू जाएगा यहाँ से? तो लेके आ जाऊं? गौतम ये बॉक्सर नहीं लग रहा, सो रहा चढ़ा आपका स्मिता। अब देखो मैं बताती हूँ, कन्नू और तुम मत बोलना ठीक है, प्रियंका ले 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 खा यो, और इसका नाम कंचन, इसका नाम गौतम, इसका नाम मैं बताऊंगी इसका नाम क्या था उसका नाम भी बोलना, प्रिया प्रिया सबसे प्यारी है वो, पीली पीली प्रिया। आपको चाहिए कुछ? क्यों नहीं गौतम, आपको चाहिए कुछ? आपको चाहिए कुछ? ये भी खाएंगे ना, पता नहीं चलेगा कैसे बने होंगे। कैसा बन रखा खाना? अच्छा है। सबसे टेस्टी क्या हो रखा? चने? तेरे को क्या लगा रे तनु, तेरे को क्या लगा सबसे टेस्ट? चना? गौतम तेरे को क्या लगा? ये बेटे गौतम बता तेरे को क्या लगा अच्छा? चने? सभी एक दूसरे की नक्कल लगा रहे हैं, कितना सोना है ना वो गौतम शर्मा रहा है, कितना ये रहा है। अरे हाय कर देना मेरे को, आज ये दूसरा फोन है ना, खा लो नहीं है, मैं इसको पीछे करती हूँ, ये क्या करे, मैं भी करूंगी ये तो। अब एक ऑडियंस के लिए ऐसे करके जय माता, काहे तेरे पैर यहाँ पैर बच्चों के सामने कुछ कर रहे हो तो मुल्टे काम तुम्हें मार पड़ेगी। इसको थोड़ा और काट लूँ मैं। एक लड़की मुदो के आ गई। आपको टीका नहीं लगाया ना मैंने?
ये बाबा आपको मैं भी इसको आप बोलूंगी आप खोल के बोल रही है बंद करके चलो लो जी लो ये मेरे को तो मिला ही नहीं प्रसाद उसके पहले मैं तुम्हें प्रसाद दे रही हूं सुबह हमें प्रसाद जितनी मर्जी तुम खाते रहना ठीक है ओके खा दिया और कुछ सेवा नहीं हो गया ब्रेड मैं ले लेती हूं आज ना ए तो बोलो मैंने बनाए बोल ये बोलो कुत्ता बोलो क्या बोलते हैं ऐसे बोलो क्या बोलते हो उसे अच्छा वर मिले वो क्या होता है वो वाला वरदान चलो बैठ वो जल्दी जल्दी तुम अभी शादी नहीं हुई है विकास सब भाग्यवती भवेंगे तू दंडवत प्रणाम कर उनको लेट के चलो चलो किसकी बारी अरे वाह खूब आशीर्वाद भाई देवी रह रहे जल्दी कल्पना कल्पना कल्पू की बारी कल्पू बोलो कि हाँ जो है वो मिल जाए जो है वो मिल जाए ऐसे बोलो बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए ठीक हो जाए बीमारी से ठीक हो जाए पहले तो अभी चाहिए अंकी को बोलो जल्दी फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो हॉस्टल में रहते हुए भी मुझे कन्याएं मिल गई वो भी आंटी जी की बदौलत तो क्या हुआ पहले मुझे लगा कि इस समय कन्याएं नहीं मिलेंगी तो ऐसी मंदिर में जाऊंगी और फास्ट तोड़ दूंगी लेकिन आंटी जी ने बहुत दूर से कन्याओं को यहाँ भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई तो आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं कन्याओं को ले जा रही हूँ दोबारा से उनके गांव में तो मैं बताती हूँ आपको बेचारे कितने दूर से आए थे वैसे तो मेन रास्ता जो है वो है रोड रोड होके ऊपर से लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है तो नदी से ठीक पड़ेगा इनको वैसे तो मैं इनको छोड़ने के लिए आई थी लेकिन ये तो मेरे से ही पहले पहले से भाग रहे हैं सुर सुर मैं तो इनके पीछे पीछे जा रही हूँ और मैं क्यों ही जा रही हूँ खुद मुझे नहीं पता ये बच्चे इतने एक्सपर्ट हो रखे यहाँ शॉर्टकट से आने के लिए ओ भाई साहब भाई तुम मेरी जान लोगे क्या यार मैंने तो आंटी को प्रसाद भी नहीं दिया तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ मेरे को आंटी को बोलना थैंक यू आराम से जाओ बाय 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 तो अब हमारा दोबारा बन रहा है यहाँ पे खाना और दोबारा भी मैं हेल्प ही करवा रही हूँ किसी और से आज हम सब साथ में नाश्ता करने वाला है तो अब हम लोग भोजन कर रहे हैं और हमने दोबारा यहाँ पे खाना बनाया है तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है अर्चना ने बनाया है हलवा और इसने बनाई है पूरियां और छोले किसने बनाए थे छोले भी इसी ने बनाए थे और तुमने क्या किया बालिकाओं कहाँ से आ रहे हो तुम तैयार होके हम तो बांडे धो रहे थे आज जगह जगह शादियां हैं लेकिन हम तो जंगल में रहते हैं हमको किसी ने नहीं बुलाया पर आज हमने थोड़ा अच्छा खाना खा रखा है तो अभी अभी हमको कहीं से बुलावा आया है कि हॉस्टल वाले ग्राउंड में आ जाएं तो हम वहीं जा रहे हैं ब्लॉग में तो हम यहाँ बगल पे रहते हैं तो हर कोई काम होता है हर समय हॉस्टल वाले आ जाओ अपना काम धंधा छोड़ के अभी जाके देखते हैं क्या काम किस काम के लिए उन्होंने आज हमको यहाँ बुलाया है यहाँ पे हम लोग आए हैं और हमसे हमारा इंटरव्यू वगैरह लिया गया तो ये भैया आए हैं मैं गई भी नहीं मेरे को के पहाड़ों की राह मैंने ऐसे ही हमारी पूजा खत्म हुई सुबह तो उसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि हम रात भर भी उठे हुए थे 2:30 बजे तक उठे हुए थे और फिर सुबह भी जल्दी उठ गए थे तो पूरे दिन भर हम सोए हुए रहे और का नहीं पता बोलते रहे थे सो रखे थे पर मैं तो सो गई थी फिर उसके बाद शाम को उठे और ऐसे ही वॉक पे गए और अभी हम लोग कर रहे हैं साथ में डिनर तो अभी हम हॉस्टल में सिर्फ 4 लड़कियाँ
और बहुत ज़्यादा सुनसान लग रहा है। वैसे तो हमको लगा कि हम पढ़ाई करेंगे, सब अपने अपने रूम में पढ़ाई करने तो गए थे, लेकिन फिर आवाज़ लगा के एक दूसरे को बुला रहे कि आ जाओ, गंदा लग रहा है। तो चलो अब करते हैं हम लोग साथ में डिनर। तो हमारा डिनर है, डिनर भी हमारा बेहतरीन है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।